हेलो फ्रेंड्स, काफी टाइम से रेल वीडियो बना रहे हो और अभी तक आपका रेल वीडियो वायरल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका रेल वीडियो 100% वायरल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी ट्रिक देने वाला हूं जो शायद ही पूरे यूट्यूब पे आपको किसी ने बताया होगा। और इसी वीडियो के अंदर मैं इंस्टाग्राम रील्स के एक न्यू अपडेट के बारे में बताने वाला हूं जो शायद अभी तक तो किसी ने बताया नहीं होगा। इस वीडियो के आने के बाद हो सकता है वो अपडेट आपको सब लोग बता दे, बट यार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं ऐसी ऐसी ट्रिक आपको देने वाला हूँ जिससे कि वीडियो वायरल 100% होगा भाई, मैं यहाँ पे गारंटी लेता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है शिवम त्रिपाठी और आपका स्वागत है शिवम रजनीश यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि मैं इसी तरीके की यूजफुल वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इंस्टाग्राम रील्स के न्यू अपडेट के बारे में आपको बता देता हूँ, और ये अपडेट आपको पसंद आया या नहीं आया मेरे को कमेंट करके नीचे बता देना। एंड आप बात कर लेते हैं कि अपडेट क्या है। तो आप साइड में देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, एंड यहाँ पे आप आपकी जो रील वीडियो होने वाली है आप उसको आगे पीछे भी स्वाइप कर सकते हो जैसे यूट्यूब वीडियो को करते थे। एंड आप यहाँ पे किसी भी रील वीडियो को बीच में से भी देख सकते हो। यार ये अपडेट मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जोर से बता देना। अगर अभी के टाइम पे आपको अपना रील वीडियो वायरल करना है तो उसके लिए आपको खुद का ट्रेंड लाना पड़ेगा। खुद के ट्रेंड से मतलब क्या है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने खुद का आइडिया लगाया था कि किस तरीके से मैं रील वीडियो बनाऊँ जिससे कि वायरल हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा यहाँ पे रील वीडियो है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कैमरामैन यहाँ पे कुछ शूट कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ से उनका क्लिप लिया एंड आगे अपना यहाँ पे क्लिप लगा दिया। उसके बाद जो वीडियो है वो काफ़ी ऑसम बन चुका है, मतलब काफ़ी अच्छा वीडियो बन चुका है। अब यहाँ पे हुआ क्या, अगर यहाँ पे कोई और बंदा इस क्लिप को यूज़ करता है तो वो क्या करेगा, वहाँ से जो म्यूज़िक है वो मेरी वीडियो का म्यूज़िक लेगा एंड मेरी म्यूज़िक पे वो अपनी वीडियो को अपलोड करेगा। उससे होगा क्या, अगर ये जो ट्रेंड है वो चल जाता है एंड लोगों को पसंद आता है और उस पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल होने वाला वो मेरा होने वाला है और लोग यहाँ पे मेरे को फॉलो करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप खुद का ट्रेंड नहीं ला सकते तो न्यू ट्रेंड पे वीडियो तो बना सकते हो ना। इंस्टाग्राम रील्स पे काफ़ी सारे ट्रेंड चलते रहते हैं और यार उस पर ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना होता, बट एक फिल्टर होता है उसको यूज़ करना है एंड यहाँ पे वीडियो बना देना है। जैसा आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो, यहाँ पे ये फिल्टर है जो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चला हुआ था और काफ़ी लोगों ने इसका फायदा उठाया और अपने इंस्टाग्राम को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर लिया एंड यहाँ पे वो लोग वायरल भी हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का फिल्टर था एंड लोग इस पर यहाँ पे वीडियो बना रहे थे, यूज़ कर रहे थे। एंड अभी के टाइम पे भी एक फिल्टर चला हुआ है, वैसा गंदा सा फेस रहता है एंड उसके बाद एकदम से झटका लेके ऐसा साफ हो जाता है। मैंने भी उसके ऊपर वीडियो बनाया था। तो अगर आप न्यू ट्रेंड को फॉलो करते हो तो आपके रील वीडियो वायरल होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं एंड काफ़ी सारे लोग न्यू ट्रेंड का फायदा बहुत अच्छे तरीके से उठाते हैं। वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे ड्यूट बना देते हैं कि किस तरीके से आपको उसको फिल्टर को यूज़ करना है या फिर इस फिल्टर का नाम क्या है, और वहाँ पे ड्यूट बना के अपलोड कर देते हैं और उनके फॉलोअर्स और लाइक काफ़ी अच्छे आते हैं, क्योंकि यार लोगों को पसंद होता है ट्यूटोरियल देखना कि किस तरीके से इसने यूज़ किया इस फिल्टर को एंड किस तरीके से यहाँ पे वीडियो बनता है। और अगर आप इंस्टाग्राम रील्स पे काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो और आपका रील वीडियो काफ़ी अच्छा बनता है तो आपको करने का है, आपको अपनी वीडियो के अंदर लिरिक्स लिखना स्टार्ट कर दो। उससे होगा क्या, आपका वीडियो और ज़्यादा प्रोफेशनल लगने लगेगा और लोगों को आपका वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगेगा। मैं भी इसी तरीके से करता हूँ। मैं करता क्या हूँ, मैं जो रील वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ दूसरों की साउंड पे, उस पर आप लिरिक्स लिख लेता हूँ एंड उसके बाद उस रील वीडियो को वहाँ से डाउनलोड करके एडिट वगैरह करके अपने खुद की ओरिजिनल साउंड पे डालता हूँ। उससे होता है क्या है, मान लो मेरा वीडियो किसी के पास रिकमेंड हुआ और उसका मेरा जो वीडियो है वो तो नहीं पसंद आया, बट जो उसका साउंड है वो यहाँ पे अच्छा लगा, तो वो वहाँ पे मेरी रील के ऑडियो पे जाएगा और वो यहाँ पे देखेगा कि जो वहाँ पे ऑडियो में एक ही वीडियो पड़ा हुआ है तो उसको मेरा ही वीडियो अपनी स्टोरी पे लगाना पड़ेगा, जिससे कि मेरा रील वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा एंड मेरी रील वीडियो को बूस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप इस ट्रिक को भी यूज़ कर सकते हो एंड ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को, क्योंकि यार इससे मेरा रील वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो गया है और हो सकता है अब यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ आने लग जाए। तो फ्रेंड्स, ये सारे ट्रिक थी, आप इनको यूज़ करके अपनी रील वीडियो को वायरल कर सकते हो। और अगर आज की वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम से रिलेटेड तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं कभी किसी और वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।